नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा और आज आपकी राशियों के बारे में बात तो होगी, साथ ही में आपके घर का सपना अगर है, जी हां, अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो आज बताऊंगी कि कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो आपके घर बनाने के सपने को पूरा कर सकते हैं या फिर कौन से भाव को आपको देखना चाहिए। तो चलिए अगर हम शुरुआत करें, सबसे पहले देखिए जो आपका अगर घर, सबसे पहली चीज़ तो कुंडली में जो मंगल की स्थिति होती है, मंगल क्योंकि भूमि का कारक माना जाता है तो इसलिए मंगल आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा चौथे भाव यानी कि फोर्थ हाउस को हम देखते हैं, अगर आपका अपना घर है या नहीं इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करें फोर्थ हाउस की, तो फोर्थ हाउस में कोई बहुत मजबूत ग्रह बैठा हुआ है तो यानी कि आपका आलीशान और भव्य घर होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर राहु आकर के बैठ गया है फोर्थ हाउस में तो कहीं ना कहीं पे आपको घर बनाने में काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। साथ ही में अगर कोई ऐसा ग्रह बैठ गया है जिसकी स्थिति ठीक नहीं है, यानी कि कोई ग्रह जो है वो बलवान नहीं है, तो भी आपके जीवन में आपको जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी हो जाएंगी कि आपको घर बनाने में मुश्किलें फेस करनी पड़ेंगी। साथ ही में अगर खुद का घर बन भी जाएगा तो भी आपको उस घर में रहने को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर आपकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा है तो भी आपका जो खुद का घर बनेगा, साथ ही में बहुत ही आकर्षक घर बनेगा, बहुत ही भव्य घर बनेगा। इसके अलावा मंगल अगर नीच का होकर के राहु से पीड़ित है तो घर हमेशा सुंदर नहीं होगा और ऐसे लोगों को घर में रहकर, उस घर में रहकर पर्टिकुलरली सुख नहीं मिल पाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मंगल की स्थिति को देखना और मंगल अगर राहु से पीड़ित हो गया है तो उसमें और भी मुश्किलें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर हम बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा अगर ख़राब है तो आपके माता पिता से, क्योंकि पैटर्नल या मैटर्नल प्रॉपर्टीज़ अगर जिन लोगों को मिल जाती है, ऐसे लोगों को जिनका चंद्रमा ख़राब होता है, ऐसी स्थिति में उनको माँ बाप की तरफ से कोई योगदान या कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता। दूसरी चीज़, मकान बनाने में हमेशा उनको अधिकतर परेशानी आती है। तो कहीं ना कहीं पर देखा जाए तो काफ़ी सारे ग्रह रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके अपना घर बनने के पीछे। लेकिन अब हम यहाँ बात कर लें अगर उपायों की, तो देखिए अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो बहुत बलवान नहीं है, चंद्रमा की स्थिति खराब है, तो चांदी का एक चकोर टुकड़ा हमेशा अपने पूजा घर में, पूजा स्थान पर आप रखें। ऐसा करने से आपके घर परिवार में जो कलह कलेश रहता है उसमें तो रुकावट होगी ही, साथ ही में आपके लिए दूसरा घर बनाने का सपना जो है या अपना घर बनाने का सपना जो है वो जल्द ही पूरा होगा। इसके अलावा सोना, चांदी और तांबा, इन तीन धातुओं से बनी हुई एक अंगूठी जो है अनामिका उंगली में धारण कर लीजिए, इससे भी आपका अपना घर बनने का सपना ज़रूर पूरा होगा। इसके अलावा 11 मंगलवार आपको, अगर आपकी कुंडली में मंगल ठीक नहीं है, मंगल बलवान नहीं है और आपका खुद का घर नहीं है, तो 11 मंगलवार 11 ट्यूसडेज आपको किसी भी मंदिर में जा कर के गरीबों को मिठाई बांटनी है। कोशिश कीजिएगा ऑरेंज कलर में या फिर रेड कलर में अगर वो मिठाई हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही में राहु का प्रभाव अगर है तो आपके घर में कोशिश करें कि जिस स्थान पर आप रहते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट ना हो, अगर ऐसा है तो उसे बाहर निकाल दीजिए। अगर ऐसा कोई सामान है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो कि आपके यूज़ का है या डेली यूज में नहीं आ रहा है, बहुत समय से ऐसे एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह पड़ा हुआ है, उसे आप घर से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बाधा होती है खुद का घर बनने के पीछे। तो ये कई सारे कारण हैं जिनको सोच करके, जिनको समझ करके आप अपना घर बनाने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अब शुरुआत करेंगे आपकी राशियों के साथ, साथ ही में कुछ खास उपाय भी आपको बताऊंगी। चलिए बात करते हैं मेष राशि। पेज ऑफ पेंटैकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड निकला है, तो आज खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने से बचना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं पे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं पे दिक्कत आ सकती है। कलात्मक और रचनात्मक क्षमता जो है वो आपकी बढ़ेगी और जिसके चलते आपको उसमें सराहना भी मिलेगी, यानी कि जो लोग आर्ट की लाइन से जुड़े हुए हैं लोगों के लिए आज सराहना, आपके कॉम्प्लीमेंट्स आपको ज़रूर मिल सकते हैं आपके काम के लिए। साथ ही में कहीं ना कहीं पे अचानक से लाभ मिलने की संभावनाएं भी बन रही हैं, क्योंकि आपको आज ज़रूर मिलेंगी। उपाय आपको छोटा सा करना है, आज फ्राइडे का दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन है, तो आज माँ लक्ष्मी के आगे लाल रंग के पुष्प अर्पित करना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, टॉरेंस की बात करते हैं। पहला कार्ड निकल रहा है टॉरेंस के लिए, थ्री ऑफ वॉन्स एंड द सेकंड कार्ड इज वर्ल्ड, तो आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी जो आपके लिए परेशानी का एक तरीके से साबित हो सकती है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज़ तो अननेसेसरी खर्चों पर रोक लगानी है। दूसरा काम, मुमकिन है कि माता पिता जो हैं, आपकी पेरेंट्स जो हैं, आपकी
बात को गलत तरीके से कहीं ना कहीं पर ले सकते हैं, जिसकी वजह से उनके साथ आपका रिश्ता जो है उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, क्योंकि आप अपनी बातों को सही तरीके से उनके सामने नहीं रख रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी बातों को सही तरीके से और बल्कि स्पष्ट तरीके से अगर सामने रखेंगे तो भी आपके लिए चीज़ें बेहतर रिजल्ट्स आपको देंगी। साथ ही में सुनिश्चित कर लीजिए कि आप अपनी बातों को ठीक तरीके से सामने वाले को समझा पा रहे हैं या नहीं। आज के दिन में वृषभ राशि वालों के लिए ब्लू कलर आप अगर पहनेंगे या ब्लू कलर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेमिनाइज़ फोर ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ वॉन्स कार्ड निकला है। अच्छी चीज़ें ग्रहण करने से आपका दिमाग जो है वो खुला रहेगा, तो कोशिश कीजिए आज सकारात्मक यानी कि काफ़ी पॉजिटिव रहें। दूसरी चीज़, सात्विक भोजन करना भी आज आपके लिए लाभकारी रहेगा। कोशिश करें तामसिक चीज़ों से दूर रहेंगे तो बेहतर है। इसके अलावा दूसरों को प्रभावित करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से कहीं ना कहीं पर आपकी छवि नहीं बदल रही है बल्कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बदल रहा है। तो चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि आज के दिन में आपको दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपनी जेब से पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा समस्याओं को दिमाग से बाहर निकाल दीजिए और घर और दोस्तों के बीच की स्थिति को सुधारने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जेमिनाइज के लिए आज मौका बहुत ही अच्छा है रिश्तों में बेहतरी लाने के लिए। उपाय क्या करेंगे, आज के दिन में राधा कृष्ण जी को आप लोग इत्र अर्पित करेंगे, ऐसा करने से रिलेशनशिप्स बेटर होंगे। चलिए बात करेंगे कर्क राशि। पहला कार्ड निकल रहा है एस ऑफ पेंटैकल्स एंड द मजीशियन। तो आज के दिन में धार्मिक भावनाओं की वजह से आज किसी धार्मिक स्थल की यात्रा हो सकती है। इसके अलावा आज निवेश करने के लिए दिन काफ़ी अच्छा है, लेकिन कोशिश करें कि एक एक्सपेक्टेड चीज़ों में ही आप निवेश करें, जहाँ पर आपका जो अनुमान है वो सही हो, तो उसके आधार पर ही आप कहीं पर पैसे निवेश कर सकते हैं। साथ ही में अगर देखा जाए कि अगर बहुत ज़्यादा रिस्क वाला अगर कोई काम हो तो उसमें निवेश करने से आपको बचना चाहिए। पारिवारिक जिम्मेदारियाँ जो है उनका बोझ आपके ऊपर बढ़ सकता है, जो आपको तनाव कहीं ना कहीं पे दे सकता है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी अगर आपके मन में रहेगी तो आप किसी भी काम को बेहतर तरीके से नहीं पूरा कर पाएंगे। इसके लिए आज के दिन में उपाय ये रहेगा कि सुबह उठ करके नमक के पानी से स्नान करना आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। सिंह राशि वाले लोगों के लिए पहला कार्ड फाइव ऑफ कप्स एंड द सेकंड कार्ड इज एट ऑफ पेंटैकल्स। तो आप लोगों के लिए वित्तीय तौर पर सुधार आएगा आपकी ज़िंदगी में। घरेलू मामलों पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। साथ ही में लापरवाही जो है आपको महंगी पड़ सकती है, तो सिंह राशि वालों को हर तरह से आज एहतियात बरतनी है। छोटा सा उपाय कर लीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए बात करेंगे कन्या राशि। टेन ऑफ पेंटैकल्स इन द हाई प्रीस्टेस कार्ड निकला है। तो आर्थिक परेशानियों की वजह से आपको आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं वाद विवाद भी आपके सामने आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आज कोशिश करें वाद विवाद में लड़ाई झगड़े में आप न पड़ें तो आपके लिए बेहतर है। साथ ही में लोगों से न कहने का भी प्रयास करें, तैयार रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ऐसी स्थितियां ऐसी सिचुएशंस आपके सामने बनते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें कि आपके लिए नो कहना ही बेहतर रहेगा। उपाय क्या करना है, आज कन्या राशि वालों को सुबह उठ करके सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान देना लाभकारी रहेगा। लिब्रंस फर्स्ट कार्ड एट ऑफ वांड्स एंड द सेकंड कार्ड इज हेरोफेरेंट। आप लोगों के लिए कुदरत ने आपको आत्मविश्वास और तेज दिमाग जो है वो दिया है, इसलिए आज उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आज आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। हर काम में आपका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा नया आर्थिक करार अंतिम रूप ले सकता है, कहीं ना कहीं पर आप किसी के साथ पार्टनरशिप डीड साइन कर सकते हैं। धन आपकी तरफ आएगा, कहीं ना कहीं पर पैसों से जुड़ा हुआ लाभ हो सकता है लिब्रंस के लिए। आज के दिन में कोशिश करनी है आप कि सुबह उठ करके दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें या लक्ष्मी चालीसा का पाठ जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि। नाइट ऑफ कप्स एंड द जस्टिस कार्ड निकला है। पारिवारिक स्तर पर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है वृश्चिक राशि वालों को, लेकिन बाकी परिवार सदस्यों की वजह तरफ से आपको सहयोग पूरा मिलेगा। साथ ही में वो आपके लिए सहयोगी भी बनेंगे आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। आपको ये सोचना होगा कि कहीं ना कहीं पर आने वाली जो परिस्थितियाँ हैं उससे आपको किस तरह से निपटना है, उसके लिए पहले से ही प्री प्लान रहेंगे तो बेहतर रहेगा। निवेश करने के लिए आज बहुत अच्छा दिन नहीं है, उपाय कर लीजिए। आज के दिन में केसर युक्त खीर का आपको माँ लक्ष्मी को भोग लगाना है। चलिए बात करेंगे धनु राशि। फर्स्ट कार्ड द डेथ कार्ड एंड द सेकंड कार्ड इज द हर्मिट। आप लोगों के लिए भविष्य को लेकर विकार में चिंता करते रहना व्यर्थ है, क्योंकि आज के दिन में आपको चिंताएं नहीं बल्कि हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। धनु राशि वाले समझना चाहिए कि असली खुशी जो है वो वर्तमान में जीने में ही है। साथ ही में आज के दिन में उपाय के रूप में आप करेंगे तुलसी के पौधे में गाय के घी का दीपक जलाना, संध्या काल के समय आज लाभकारी रहेगा।
चलिए बात करेंगे मकर राशि। द चैरियट एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड निकला है, तो आज मानसिक शांति जो है असुविधा की वजह से हो सकती है। कहीं ना कहीं पे आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रह सकते हैं। आर्थिक तंगी के लिए भी, उससे बचने के लिए आपको करना क्या है, एक्सपेंसेस को कम कर देना है और कोशिश कीजिए अपने बजट के अनुसार ही आप खर्चे मेंटेन करेंगे। इसके अलावा रिश्तों में कहीं ना कहीं पे तकरार, थोड़ी बहुत नोकझोंक सामने आ सकती है, उससे बचने के लिए क्या करेंगे, आज माँ लक्ष्मी को इत्र अर्पित करेंगे, साथ ही में मिष्ठान का भोग जरूर लगाएंगे। चलिए बात करेंगे कुंभ राशि। फर्स्ट कार्ड नाइट ऑफ वॉन्स एंड द सेकंड कार्ड इज फोर ऑफ सॉल्स। आप लोगों के लिए लंबी यात्रा के लिहाज से सेहत और ऊर्जा के स्तर में जो भी आप कर रहे हैं वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो कहीं ना कहीं पे अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करनी भी पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। निवेश योजनाएं जो हैं आपको आकर्षित कर रहे हैं, जो कि आपके लिए समय में बेहतर भी रहेंगी। कुंभ राशि वालों के लिए कोशिश करनी है कि आप कोई भी काम, कोई भी बातचीत कर रहे हैं उसे बहुत गहराई से सोचने की कोशिश करें, तभी कोई बड़ा कदम आप उठाएं, तभी कोई डिसीजन आप लें। चलिए बात करते हैं मीन राशि। द स्टार एंड क्वीन ऑफ कप्स आप लोगों के लिए कार्ड निकल रहा है। आज के दिन में आप लोगों को द्वंद से या फिर विरोध से बचने की ज़रूरत है, नहीं तो आपका काम बिगाड़ सकती है चीज़ें, या फिर आपके काम के ऊपर बुरा प्रभाव इसका पड़ सकता है। बहुत लंबे समय से अटके हुए जो मुआवजे हैं या कर्ज हैं उससे आपको आखिरकार छुटकारा मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं पर आज का दिन काफ़ी बेहतर है चीज़ों को एक तरीके से चीज़ों की नई शुरुआत करने के लिए। इसके अलावा आर्थिक लाभ भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है और किसी की तरफ से कोई सपोर्ट आपको मिल सकता है। मीन राशि वाले लोगों के लिए आज केसर युक्त खीर, साथ ही में पंचमेवे की खीर आज माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें और माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की उपासना भी आज जरूर कीजिए। तो बात हुई 12 राशियों की, आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर लेकर आऊंगी ऐसे ही आपके दिन का हाल, लेकिन तब तक के लिए जुड़े रहिए एस्ट्रो तक के साथ और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।